लड़ाई मत करो, ये दोनों लोग बहुत लड़ाई करते हैं हमारे घर में ये दोनों लोग बहुत ज्यादा जो है लड़ाई करते हैं, ये दोनों लोगों की आदत है। तो मैंने उसको धुलने के लिए मशीन में डाला था, अरे यार सीट मशीन फिर भी रह गई, अब चला देते, अभी 9:30 ही बजा है, 11 बजे तक बंद हो जाएगी ना। हाँ चला देते हैं, तो इसको हमने मशीन में धुला था बट आगे फिर भी साफ नहीं हुआ, इसकी क्या हालत हो गई ठीक है। है। हाँ ठीक है, हाँ अभी मुंह में सही सफिशेंट भरा है। कितना क्यूट लग रहा है। तो इसको इसमें कॉटन निकाल के, ये इसको इसमें गट्ठर बना के रखा था हमने, तो ये इसमें फिल कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ मशीन चला, मैंने चला दी है मशीन जो है। कपड़े सुबह से भरे थे, मुझे याद ही नहीं था, और ये लोग इसको भर रहे हैं। तब तक मैं जा रही हूँ दही जमा देती हूँ। हम सिल देंगे, हम जा रहे हैं, दूध गर्म किया था वो भी ठंडा हो गया हमारे ब्लॉग एडिट के चक्कर में, जा रहे हैं दही जमाने। और मैंने दूध गर्म किया था, मेरे गैस में पता नहीं क्या ही समस्या है, ये बहुत मुश्किल से ऑन होता है गैस चूल्हा, पता नहीं क्या है समस्या है। तो चलिए, और दूध ज़्यादा गर्म हो गया था, थोड़ा सा ठंडा करेंगे, नहीं दही डालेंगे तो फट जाएगा। दही जमाने के लिए बर्तन रख देते हैं, इसी में अभी मेरे को दूध गर्म करना है। ये धनिया पत्ता जो आधा से लेकर के आए, तो ऐसे डब्बे में करके रख देते हैं, तो कुछ दिन एटलीस्ट चल जाता है आराम से। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ क्लीन, क्योंकि यहाँ पर घी गिर गया था, पूरा छींटे डल गया था, लग जा भाई। लाइट नहीं आ रही है हमारे यहाँ, तो मैंने सोचा इसको सेट ही कर देती हूँ मैं, सुबह का टाइम है अभी। ऐसे ही रख देती हूँ अभी के लिए, बाकी जब लाइट वाइट आएगी तब सही करेंगे। बाकी मैंने ये कल पूरा धुला था, क्योंकि इसमें घी लग गया था, स्टिक बहुत ज़्यादा स्टिकी सा हो गया था, छूट नहीं रहा था, तो मैंने इसमें जो है गर्म पानी से मैंने उसको धुला था कल। सूख गया है अभी, तो सूख गया है अभी के लिए, सब ऐसे ही रख देते हैं, बाकी देखेंगे जब लाइट आएगी। तो वेदर बहुत वैसा हो रखा है इसलिए लाइट नहीं आ, लाइट भी कट रही है। और ये हैंकी भी है, हैंकी धुलनी है। और बाकी यहाँ भी मैंने बेड ठीक कर दिया है, ये कपड़े निकाल के रखे, देखती हूँ क्योंकि वेदर बहुत ठंडा हो रखा है, तो देखती हूँ क्या पहनती हूँ। बारिश भी हुई है कि बंद है, हो गई है, अभी तो मैं छोड़ने गई थी तो छाता लेकर के गई थी, तो ये बेड वगैरह मैंने ठीक कर दिया है सब कुछ, और देखती हूँ क्या पहनना है मुझे। गुड मॉर्निंग, तो सुबह के बज रहे हैं 10 और मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, और वेदर इतना ठंडा होकर रखा है कि क्या कहें। और मैंने मेहंदी भी घोल रखी है, क्योंकि लगाना मैं सोच रही लगा लेती हूँ, मेरे ग्रे हेयर दिख रहे हैं, मैंने वेदर ठंडा होने के चक्कर में काफ़ी टाइम से लगाया नहीं, अभी रिसेंटली लगाया था हो गया आई थिंक, और लास्ट वीक में मैंने हेयर वॉश बहुत ज़्यादा किया, उस चक्कर में छूट जाता, मैंने इतने में ही लगाया था, स्कल्प में लेंथ पे नहीं लगाती हूँ इस टाइम, तो मैं लेंथ पे काफ़ी टाइम से मैं नहीं लगा रही हूँ, तो छूट जाता बहुत जल्दी हेयर वॉश करने में, तो मैंने घोल करके रखी है, दिखती हूँ लगाती हूँ कि नहीं लगाती हूँ। वेदर क्योंकि बहुत ठंडा है, सावन में सावन की मेहरबानी बहुत ज़्यादा हो रखी है, मतलब बारिश, सुबह भी मैं छोड़ने गई थी अदर को तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, और कल मैं गई थी स्मार्ट बाज़ार तो मेरे को ये दिखे रबड़ बैंड, मैं लेकर के आ गई हूँ, पता नहीं कैसे लगाएंगे बट मैं लेकर के आ गई हूँ, मुझे अच्छे लगे। और ये डब्बे लास्ट टाइम छूट गए थे, इस बार मैं लेके आ गई हूँ, क्योंकि मुझे गृहस्थी का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, मैं बोल रही थी मुझे गृहस्थी का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं ये डब्बा लेकर के आई हूँ, दो लेकर के आई हूँ, एक इससे थोड़ा सा बड़ा है, सही है, जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो फिर मूवी देखने जाते हैं तो बिस्किट वगैरह लेकर के जाते हैं, अतर के लिए चाहिए होता है, तो ये मैं लेकर के आई हूँ। और मैंने बैंगल्स फिर से उतनी ही कर ली जितनी मैंने कल डाली थी, क्योंकि शाम को गई थी मार्केट तो फिर मैंने थोड़ी सी कम कर ली थी, अच्छा नहीं लगता है लोग देखने लगते हैं, देखने क्या थोड़ा सा अजीब लगता है इसलिए। और ये मैंने ट्राई करके नहीं देखा है, मैं ट्राई करूँगी जो है कि कैसा लगता है बालों में फंसे ना, क्योंकि देख करके ऐसा ही लग रहा है कि बाल में फंसता होगा, बाकी देखते हैं। और मेहंदी लगानी है बट हवा बहुत ही ज़्यादा चल रही है, सावन में सावन की मेहरबानी है, बारिश तो हर थोड़ी देर में आती है जाती है आती जाती है। अभी बज रहा है 2:15 और हम खा रहे हैं समोसे, ये लेकर के आए हैं, अतर को लेने गए,
तब तक ये भी आ गया और गर्म है समोसे और बारिश भी हो रही है तो अच्छा है। और मैं सो गई थी, 10:30 बजे सोई हूँ, जगी हूँ 1 बजे, इतनी ज़्यादा नींद आई। दूध वाले भैया है, दूध ले लिया, कचरे वाली आंटी आई, कचरा दे दिया। तुमको नहीं खाना क्या? नई डाली क्या? काफ़ी टाइम से रखी मैंने उसको, जब से मंगवाई थी एक ही बार डाली है और बहुत अच्छी लगती है बिल्कुल। मतलब मेरे पास मोस्टली वाइट बेड शीट ही हैं, बहुत अच्छी लग रही है। मैं सोच रही हूँ इसको कानपुर लेके जाऊँगी वहाँ धुलने में, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या होगी, हैवी हो जाएगी, इसलिए तो मैंने ये बेड शीट यहाँ पर डाली है, अच्छी बेड शीट। और यहाँ तो मैंने सुबह ही चेंज किया था पीछे रूम का, दोपहर में चेंज किया है। और ये रही मैं, और ये रहा हमारा शरारती बच्चा। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह के बज रहे हैं अभी, 7:25 हुआ है और मैंने थोड़ी सी हेयर ऑयलिंग की है क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना है, और चलते हैं काम करते हैं। और जिस किस के बच्चे ऐसा करते हैं कि मुझे सारे काम मम्मा से ही करवाने होते हैं, मैं रोटी बना रही हूँ, मेरा बेटा बोल रहा है मुझे मम्मा से नहाना है, नहाना। पानी मैंने सुबह उठ के लगा दिया था, गर्म हो गया था क्योंकि वेदर बहुत ठंडा होके रखा है, बट फिर मैंने बोला तो अपने डैडी से नहा करके जो है गया। कल मैंने नेल पेंट लगाया था और लगाने के बाद मैं सो गई तो उसमें अजीब से बालों के निशान से बन के बालों के नीचे हाथ दब गया। तो चलते हैं फटाफट से काम करते हैं। बर्तन वगैरह भी हैं, बेडशीट सोच रही हूँ चेंज कर देती हूँ क्योंकि ज़्यादा गंदी हो जाती है, ज़्यादा दिन 4 से 5 दिन डली रह जाती तो फिर बहुत गंदी हो जाती तो साफ नहीं होती है, इसलिए झाड़ू पोछा सारे काम बाकी है। तो चलते हैं अपने काम में लगते हैं ज़्यादा डिले ना करते हुए। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और बज गए हैं 10, मैंने बहुत काम किया 7:30 बजे से लेकर के अभी तक। पूरा झाड़ू पोछा, दोनों रूम की बेड शीट जो मैंने ठीक करी, चेंज नहीं करी है बस ठीक कर दी हैं, और कुछ कपड़े सूखे थे उनको उठाया, और डोर मैट जो है धुले थे, और किचन की मैंने धुलाई की, कल दूध गिर गया था तो धुल तो दिया था बट उतना नहीं साफ हुआ था। बट फिर से आज मैंने जो है पूरा टाइल्स वगैरह क्लीन किया है। एक तो टाइल्स गंदा हुआ मतलब वो साफ़ ही नहीं होता है, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया नहाने में, और मुझे आज जाना है कीर्तन में। देखती हूँ क्या पहन के जाती हूँ, साड़ी तो निकाली, एक मन कर रहा साड़ी डाल लूँ, एक मन कर रहा सूट डालूँ, और आज तो वेदर सही है तो देखती हूँ, मन होगा तो साड़ी ही डालूँगा। और मैं अभी लेकर के आई हूँ चाय, मेरा पूजा पाठ हो गया है, टीका नहीं लगाया है, मतलब पूरा मैंने 2.5 घंटे काम किया है, झाड़ू पोछा बहुत ज़्यादा काम जो है हो गया। चलते हैं नाश्ता करते हैं, और मेरे बाल अभी गीले हैं, मेरे को हेयर देखती हूँ नहीं सूखेंगे तो ड्रायर करना पड़ेगा क्योंकि मुझे जाना है कीर्तन में, इसलिए। तो हम मंदिर पहुंच चुके थे, यहाँ पर कीर्तन हो रहा था जो है 11:30 बजे 10:30 बजे स्टार्ट हो जाता, मुझे नहीं पता था, मुझे किसी ने इनवाइट किया था तो मैं गई थी। रास्ते में मैंने फ्रूट लिया था और मैं साड़ी डाल करके गई थी, यहाँ पर देखा तो कीर्तन हो रहा था, बहुत अच्छे से होता है जो है मंदिर में कीर्तन, ढोलक वगैरह के से, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, मैं कभी जल्दी से जाती नहीं हूँ, सुंदरकांड में तो जाती हूँ बट कीर्तन में कभी नहीं जाती हूँ, तो मैं भी गई थी साड़ी डाल करके, और थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया जो है, बहुत लेडीज आती हैं, और मैं किसी के इनवाइट करने पर गई थी, और ये मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, ये लोग डांस कर रही हैं, बहुत मज़े करती हैं लेडीज़ें, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मैं भी जो है वीडियो बना लेती हूँ। तो बस हम भी जग गए अपना, उसके बाद फिर प्रसाद वगैरह लेकर के आ गए थे। तो गाइस मैं आ गई हूँ कीर्तन से, तो अभी चलते हैं चेंज करके अत्तर को लेने जाते हैं क्योंकि टाइम हो गया, मुझे तो लग रहा था कि मैं नहीं आ पाऊँगी बट आ गई हूँ मैं, अभी 2:10 बाकी हैं, आ गई हूँ, फटाफट से चेंज करते हैं और चेंज करके अत्तर को लेके आते हैं। और मैं साड़ी डाल करके गई थी जो है ये वाली, लास्ट टाइम भी मैंने डाली थी तो आज भी उससे मैंने डाली, प्रसाद वगैरह लेकर के आ गई हूँ, तो चलते हैं फटाफट से पहले चेंज कर लेते हैं उसके बाद अत्तर को लेने चलते हैं। और आज हमारे लंच में है राजमा और चावल और रोटी है साथ में, जो मैं बना करके मंदिर गई थी, आके राइस बनाया है, राजमा और रोटी सुबह बनाया था, रोटी अभी तो राइस जो है दोपहर में बनाया है। हम जा रहे हैं अभी अत्तर के पीटीएम में, और आज है 31st, इनका पीटीएम है अथर के स्कूल में, तो अथर के स्कूल जा रहे हैं, और मैंने आज बहुत ही क्यूट सा अपना हेयर स्टाइल बनाया है, लेकिन मुझे जाके हेयर कट करवाने हैं, देखती हूँ संडे तक। अथर आज जल्दी आ गए थे स्कूल से, और इनका बस जहाँ पर रुकी मैंने बहुत देर वेट किया, पूरे 35 मिनट वेट किया तब जा कर के इनकी बस आई है, तो चलते हैं इनके पीटीएम में। पीटीएम से हो गया अथर के स्कूल का पीटीएम, और हमने कंप्लेन की मैम से क्योंकि अथर लंच करने में
मतलब खाना खाने में इनको बहुत दिक्कत है इसलिए। और टेस्ट के मार्क्स सही थे बट हिंदी में जैसे ये वीक है उस हिसाब से इनको स्टार मिला था, तो वो चीज़ मैंने मैम से बोला। और मैथ सही है इनका, तो मैं मैथ में भी 30-30 का था, 30 में मतलब सही मिले हैं मैथ में, 30 में 29 मिले हैं, तो मैथ इनका अच्छा है। और इंग्लिश में थोड़ा सा जो है मतलब ठीक है, लेकिन हिंदी इनकी वीक है ये तो मुझे भी पता है, तो वो मैंने बोला है मैम से। तभी चलते हैं घर, और बच गया है 1:20 हो गया है दोपहर का। तो अथर का स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मैंने अंदर से फर्स्ट टाइम देखा है, एडमिशन के टाइम तो वहाँ होता है, तो अच्छा है अथर का स्कूल, लकड़ी का बेंच लगा, हाँ मतलब बहुत अच्छा स्कूल लगा मुझे। सो गाइस, हम लोगों का हो गया है डिनर, और डिनर में हमने खाया मैगी खाई है, हम और अथर भी हैं, तो मैगी बना ली, और कुछ बनाने का मन नहीं था। और आज एकादशी थी कि राइस का ही कुछ बनाते, तो एकादशी है तो राइस एकादशी की, अभी मैं जब से मतलब याद रहता तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ राइस, तो इसलिए। और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इनकी बुक्स वगैरह रखी हैं बेड पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।